Hello students, good morning to all. Our today's topic is lysosomes. Lysosome is one of the most important cell organelle. It is also known as societal bags. Okay, so today we will discuss about why these lysosomes are termed as societal bags. And first is, If we see the structure, this is the membrane of lysosome, and inside this lysosome cell organelle, there is lysosome enzyme, or we can say lysosomal enzyme. These enzyme, which nature? Protein nature. These lysozyme भी बोल सकते हैं हम इसको, lysozyme enzymes और lysosome enzyme helps in the digestion. जैसे हमारे अंदर enzymes digest करते हैं, similarly ये भी digestion में help करता है. But इन enzyme को कौन बनाता है? In the previous lecture we had studied about rough endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum, if it is rough, there will be presence of ribosomes, and ribosomes helps in the protein synthesis. I think अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ribosome helps in the protein synthesis. तो protein बनाया है और protein enzyme की तरह काम कर रहा है, and that enzyme helps in the digestion. Okay, first how will it will digest? Okay, first function, it helps in the disposal of waste ko bahar nikalna hai agar cell se to bhi kaun help karega? Lysosome. Digest the foreign material or worn out cell, jo cell kharab ho gaye hain, even wo khud bhi kharab ho jata hai to khud ko hi kill kar deta hai. Kill in the means digest kar deta apne aap ko hi with the help of enzyme. That why it is known as societal bag. खुद को ही डाइजेस्ट कर देता है जब उसको लगे कि वो भी वॉर्न आउट हो गया है, यूज्ड अप हो गया है. इट इज फंक्शनलेस, ओके, नॉन फंक्शनल. नाउ सी दिस डायग्राम, दिस इज अ पर्टिकुलर सेल, एंड दिस सेल हैज रिसेप्टर जैसा होता है, लाइक एंटीना होते हैं हमारे सिग्नल रिसीव करने के लिए. सिमिलरली इट इज अ रिसेप्टर. रिसेप्टर पर बैक्टीरिया बाइंड हो गया. बैक्टीरिया इट इज़ अ फॉरेन मटेरियल जो बाहर से आ रहा है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी का सेल है, कंसीडर करो. तो ये जो बैक्टीरिया है ये यहाँ पर रिसेप्टर से बाइंड हो गया, ठीक है. नाउ देर इज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल जिसको हम बोलते हैं फैगोसोम. क्या बोलते हैं? फैगोसोम. फैगो वर्ड इज फॉर फैगो दैट इज एनगल्फ कर जाना, खा जाना किसी को. तो ये जो फैगोसोम है, फैगोसोम के अंदर ही बैक्टीरियल सेल चला गया. इस बैक्टीरियल सेल के अंदर भी सर्टेन केमिकल्स थे. उन केमिकल्स ने इसको डाइजेस्ट किया, बैक्टीरिया को. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बैक्टीरिया इसके अंदर आया, फैगोसोम के अंदर. बट ये फैगोसोम के पास डाइजेशन कैसे हो रही है, इसके अंदर बैक्टीरिया कैसे किल हो रहा है? Because this phagosome will fuse with lysosome. जो इस सेल के अंदर लाइजोजोम है, वो लाइजोजोम फैगोजोम के साथ फ्यूज हो गया और उसने क्या बना दिया? फैगोसोम और लाइजोसोम ने दोनों ने
फ्यूज़न करके, क्योंकि लाइसोसोम के पास एंजाइम है जो एंजाइम किसको डाइजेस्ट किल कर सकते हैं, इस बैक्टीरिया को, और यहाँ से इसको किल करने के बाद अब ये इट इज़ जस्ट एज अ वेस्ट, इट इज़ जस्ट एज अ यूजलेस कंटेंट और सब्सटेंस, तो इसको सेल से बाहर फेंक देगा, निकाल देगा, और दैट प्रोसेस यहाँ से मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व हो जाएगी और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा. दैट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड एग्जोसाइटोसिस. एग्जो मीन्स एग्जिट, साइटोसिस मीन्स सेल, सेल से बाहर निकल गया. दिस इज द ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम, एंड होप आपको समझ में आया होगा. जस्ट रिवाइज इट, गो थ्रू इट एंड अलॉन्ग विद योर बुक्स. थैंक यू.